हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th बच्चे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट कॉन्टिन्यूटी में है, जिसमें बेटा हमने ये पढ़ लिया था कि गवर्नमेंट बजट होता गया है, वो मैंने आपको समझा दिया था। आज बेटा हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द बजट। बजट की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने अभी छोड़े हैं, ये अभी नहीं करवाऊंगी मैं आपको, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट बजट समझ में आ गया तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट बजट क्यों बनाया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द बजट जो है वो पढ़ेंगे कि बजट कैसा दिखता है, बजट में क्या क्या होता है। तो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ द बजट, बजट की जो स्ट्रक्चर है, टू द कॉम्पोनेंट ऑफ बजट्स, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ द बजट रेफर्स टू कॉम्पोनेंट ऑफ बजट, की बजट की स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। बजट की स्ट्रक्चर का बेटा मीनिंग ये है कि बजट के कॉम्पोनेंट्स की बात करी जा रही है कि बजट में होता क्या क्या है, ठीक है। मैंने तो आपको पहले ही बोला था बेटा कि बजट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो बजट में होती है बजट रिसिप्ट और एक बजट में होता है बजट एक्सपेंडिचर। अब बेटा बजट रिसिप्ट क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी। बजट रिसिप्ट को बेटा हम बोलते हैं गेन क्या करा, गवर्नमेंट ने गेन क्या करा कि गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से हो रही है, ठीक है। ये चीज़ हम पढ़ेंगे बेटा बजट रिसिप्ट में, हम यही पढ़ेंगे बेटा गवर्नमेंट को इनकम कहाँ कहाँ से हो रही है। जिसमें देखो बेटा हम दो तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट और बेटा दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे कैपिटल रिसिप्ट। अब देखो बेटा बजट एक्सपेंडिचर में भी वैसे ही हम दो पार्ट रीड करने वाले हैं। नंबर एक पे तो हम रीड करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा हम रीड करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है बेटा। तो बजट रिसिप्ट में भी हमने दो पार्ट डिस्कस करने हैं, फर्स्ट रेवेन्यू रिसिप्ट है, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट है। वैसे ही बजट एक्सपेंडिचर में भी हमने दो पार्ट डिस्कस करने हैं, पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और दूसरा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और देखो बेटा इन दोनों की जो डिटेल्स हैं वो हमें दी गई हैं। तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, बजट रिसिप्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बजट रिसिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बेटा बजट रिसिप्ट रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। इसने क्या बोला कि बजट की जो दो कॉम्पोनेंट सबसे मेन है, पहला है बजट की रिसिप्ट और दूसरा है बजट का बजट में एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। बजट में रिसिप्ट और बजट में एक्सपेंडिचर, जो बजट में रिसिप्ट होती है उसको बजट रिसिप्ट बोलते हैं और जो बजट में एक्सपेंडिचर होगा उसको हम बजट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम बजट रिसिप्ट की बात करेंगे कि बजट रिसिप्ट होता क्या है। बजट रिसिप्ट रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो बेटा बजट रिसिप्ट होती है वो क्या होती है, एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट होती है, यानी कि एस्टिमेटेड यानी कि लगभग कितना पैसा गवर्नमेंट को मिल रहा है, ठीक है ना। कितना पैसा लगभग गवर्नमेंट एक साल में कमा रही है, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी सोर्स से कमाए गवर्नमेंट, चाहे किसी से कर्जा लेके कमाए, चाहे खुद कमाए, भी कितना पैसा गवर्नमेंट को आ रहा है इनकम के रूप में, चाहे वो कहीं से भी मिल रहा है, चाहे गवर्नमेंट किसी से उधार ले रही है, चाहे वो खुद कमा रही है, ठीक है, समझे मेरी गल। तो देखो बेटा ब्रॉडली द बजट रिसिप्ट आर क्लासिफाइड एज, जो बजट रिसिप्ट होती है वो बेटा दो तरह की होती है। नंबर एक तो एक पे तो होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और नंबर दो पे बेटा होती है कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। अब बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू का मीनिंग जो हमने कमाया, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट खुद कमाती है। मैं आपको ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का प्रोसेस नहीं समझाऊंगी, मैं आपको पहले रेवेन्यू रिसिप्ट के थोड़ा डीप तक लेके जाना चाहती हूँ कि रेवेन्यू रिसिप्ट होता क्या है। तो देखो बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब गवर्नमेंट ने खुद जो पैसा कमाया वो कहाँ कहाँ से कमाया, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट आर दर्ज मनी रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट वो मनी से आधे बच्चे ना ये रिसिप्ट से हार जाएंगे कि ये रिसिप्ट क्या होता है। रिसिप्ट का मीनिंग होता है प्राप्ति, जिसको हम पंजाबी में प्राप्ति और हिंदी में भी ऐसे डालते हैं कुछ, ठीक है ना, प्राप्ति ऐसे डालते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू यानी कि जो आमदन जो है कहाँ से मिलती है गवर्नमेंट को, रेवेन्यू कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से गेन होती है, ठीक है। और जो रेवेन्यू है वो क्या क्या हमारे लिए नुकसान, गवर्नमेंट के लिए क्या क्या नुकसान और क्या क्या फ़ायदे करती है। अब देखो रेवेन्यू रिसिप्ट में वो सारी मनी आ जाती है गवर्नमेंट की जो, जिसके ये दो फायदे होती हैं, होते हैं, ध्यान रखना इन दोनों को। अब देखो गवर्नमेंट क्या कमाती है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगी। देखो दीज रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। ये जो रिसिप्ट होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है ना, वो गवर्नमेंट के लिए
कभी भी क्या क्रिएट नहीं करती, देनदारी, देनेदारी जो है वो क्रिएट नहीं करती। मतलब गवर्नमेंट ने जो पैसा एक बार कमा लिया वो लोगों को वापस नहीं करना है। जैसे गवर्नमेंट ने हमारे से टैक्स ले लिए, तो गवर्नमेंट ने हमें टैक्स वापस नहीं करने हैं। वो हम गवर्नमेंट हमारे टैक्स से जो पैसा गवर्नमेंट के पास गया है, जो टैक्स के जरिए गवर्नमेंट ने पैसा कमाया है, गवर्नमेंट उसका कुछ भी कर सकती है भाई, ठीक है ना। हम उससे, गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं पूछ सकते कि आपने हमारे पैसे का क्या करा। हमारा फर्ज है, हमें देना ही पड़ता है वो, ठीक है ना। तो अजिही रिसिप्ट, दीज रिसिप्ट, ये जो रिसिप्ट होती हैं, ये जो प्राप्तियां होती हैं, डू नॉट क्रिएट, नहीं पैदा करती एनी, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी, छोटी मोटी लाइबिलिटी, किसी ना बड़ी ना छोटी, कोई भी देनदारी पैदा नहीं करती फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए। यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ भी देना हमें वापस नहीं होता। अब गवर्नमेंट ने क्योंकि कमाया है भाई, अब हम दिहाड़ीदार बंदे हैं, मान लो हम काम कर रहे हैं, तो हम जो पैसा कमाएंगे वो वापस थोड़ी ना देंगे मालिक को, वो तो अब हमारा हो गया ना। वैसे ही गवर्नमेंट ने जो पैसा कमाया वो गवर्नमेंट वापस थोड़ी ना करेगी, वो तो गवर्नमेंट का हो गया भाई। तो एग्जाम्पल में इसमें क्या है, टैक्स रिसिप्ट, जो टैक्स है वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्यों क्यों है, क्योंकि ये इसमें कोई भी लाइबिलिटी इन्वॉल्व नहीं होती गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के लिए। ये देखो, गवर्नमेंट ने कुछ भी वापस नहीं करना होता, टैक्स जो गवर्नमेंट ने कमाया वो जो है गवर्नमेंट हमें वापस नहीं करेगी। और जो टैक्स होता है वो यूनिलेटरल, यूनिलेटरल यानी कि वन साइडेड कंपल्सरी पेमेंट है, जो कि हर एक इंसान को गवर्नमेंट को करनी ही पड़ती है, चाहे हम डायरेक्ट करें चाहे इनडायरेक्ट करें। आगे देखो बेटा, दूसरा पॉइंट, दीज रिसिप्ट डू नॉट कोज एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। और इससे गवर्नमेंट की एसेट्स, एसेट्स का मीनिंग क्या होता है, एसेट्स को अगर हम बोले तो संपत्ति, संपत्ति को बोला जाता है एसेट, ठीक है, संपत्ति को एसेट बोला जाता है। ये जो रिसिप्ट है, यानी कि जो हम गवर्नमेंट पैसा कमाती है टैक्सेस के जरिए, ठीक है ना, ये जो रिसिप्ट होती हैं, तो देखो बेटा ये जो रिसिप्ट होती हैं, डू नॉट कोज, ये नहीं कारण होती एनी, यानी कि कोई भी रिडक्शन, यानी कि कमी का, ठीक है ना, कमी, कमी करना किसमें, संपत्ति में, संपत्ति में कमी का कारण नहीं होती, यानी कि गवर्नमेंट की संपत्ति में कमी का कारण नहीं होती ये रिसिप्ट, ठीक है ना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, टैक्स रिसिप्ट डू नॉट लीड टू एनी रिडक्शन, ठीक है ना, एनी रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ये देखो, ये जो रिसिप्ट होती हैं वो गवर्नमेंट की एसेट में कमी नहीं करती हैं, ठीक है ना। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करें, इफ गवर्नमेंट रिसीव्स मनी बाय सेलिंग इट्स शेयर ऑफ सम कंपनी, जैसे वो बोल रहा है, वो ना हमें एक एग्जांपल देगा कि मान लो कि गवर्नमेंट को क्या मिले, शेयर्स मिले, क्या, ठीक है। ये देखो, गवर्नमेंट रिसीव मनी बाय सेलिंग इट्स शेयर ऑफ सम कंपनी, से एयर इंडिया, मींस गवर्नमेंट ने अपनी किसी कंपनी के शेयर बेच दिए, ठीक है, किसी कंपनी के शेयर बेच दिए, तो इससे तो कमी आई ना, कमी आई ना, तो ये किस में नहीं आएगा, ये रेवेन्यू रिसिप्ट में नहीं आएगा। यही उसने समझाने वाली बात करी है कि ये देखो, अगर हम वो बोल रहे हैं कि अगर मैं आपको समझाऊं कि गवर्नमेंट ने क्या करा, जो मनी सेल करी, तो देखो बेटा इसका मीनिंग क्या है कि गवर्नमेंट की एसेट में रिडक्शन जो है वो आई है, तो ये बेटा किस में नहीं हो सकता, तो ये बेटा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में नहीं हो सकता। तो हम रेवेन्यू रिसिप्ट किसको बोलेंगे, तो रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है कि गवर्नमेंट का वो वाला पैसा आ गया रेवेन्यू रिसिप्ट में, जिसको कमाने के बाद गवर्नमेंट को वापस नहीं करना होता, गवर्नमेंट वो हमें वापस नहीं करती, गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं होती, और नंबर दो पे गवर्नमेंट की एसेट में रिडक्शन नहीं होती, ठीक है बेटा। तो आज मैंने आपको इतना करा दिया, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट शुरू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।